पठान की हिस्टोरिकल सक्सेस के बाद बॉलीवुड के किंग खान एसआर के हॉट प्रॉपर्टी बन चुके हैं। अब उनकी आने वाली हर मूवी पर प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीबिटर्स मुंह मांगे दाम लगाने को तैयार हैं, फिर चाहे वो जवान हो या डंकी। बहरहाल शाहरुख खान के सारा फोकस आकर जवान पर है और इतने ज्यादा बिजी है मूवी की शूटिंग को लेकर कि इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचे बाबा सिद्दीकी की, जहां पर उनका सलमान खान के साथ पैचअप हो चुका है। बहरहाल जवान के ऑनसेट फोटो लीक होती रहती हैं, गानों के रिहर्सल शॉट भी लीक होते हैं और खबर है कि दीपिका पादुकोण और नयनतारा के साथ शाहरुख खान एक बहुत ही लाइविश आइटम डांस शूट कर रहे हैं। लेकिन इस मूवी की सबसे बड़ी जो अपडेट है वो है अल्लू अर्जुन यानी अपने पुष्पा के सुपरस्टार। और खबर यह आई कि फाइनली पुष्पा स्टार ने जवान में अपने कैमियो की एंट्री के लिए हामी भर दी है। जी हाँ, आपको लगता होगा कोई गप है, बिकॉज कुछ महीने पहले भी यही गॉसिप उठी थी और तब कहा गया था कि अल्लू अर्जुन ने इनकार कर दिया है एसआर की मूवी में अपना कैमियो करने के लिए, बिकॉज वो अपनी पुष्पा की शूटिंग में बहुत बिजी हैं। लेकिन कहते हैं कि पठान की कामयाबी के बाद सारा गणित चेंज हो गया है। पठान एक मैसिव हिट थी और अब साउथ वाले भी मानते हैं कि उनको अगर अपनी पैन इंडियन इमेज को चमकाना है तो उन्हें स्टार के साथ एसोसिएशन करना पड़ेगा जो नॉर्थ में चलते हैं। जैसे चिरंजीवी ने गॉडफादर में सलमान खान को यूज किया, वैसे ही जवान के मेकर चाहते हैं कि साउथ और नॉर्थ का संगम हो। वैसे भी जवान की जो आधी कास्ट है वो साउथ इंडिया से बिलोंग करती है, फिर चाहे वो विलन का रोल करने वाले विजय सेतुपति हों, हीरोइन नयनतारा हों या फिर डायरेक्टर एटली, सारे के सारे तमिल तेलुगु बेल्ट से बिलोंग करते हैं। ऐसे में पुष्पा स्टार को साइन करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है मूवी के लिए, बिकॉज मूवी के टीजर में अगर ये बात आ गई कि पुष्पा 2 इज ऑलरेडी इन जवान, अभी मूवी नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया में बहुत गजब का मोमेंटम क्रिएट करेगी, जो कि विन विन सिचुएशन होगी दोनों बेल्ट के लिए। वैसे अल्लू अर्जुन की जगह पर पहले कहा जा रहा था थलापति विजय को अप्रोच किया गया है, बिकॉज विजय सेतुपति और थलापति विजय मास्टर में काम कर चुके हैं और विजय सेतुपति कहने पर ही विजय को अप्रोच किया गया था और विजय इससे पहले राउडी अढ़ौर में ऑलरेडी एक कैमियो कर चुके हैं, ऐसे में वो कोई खास ऑब्जेक्शन नहीं थी। लेकिन तब तक बीस्ट हो गई फ्लॉप और एसआर के बिजनेस के मार्केटिंग गुरु हैं, वो उसी घोड़े पर दांव लगाते हैं जो विनर हो। और जब बीस्ट फ्लॉप हुई तब उन्होंने अल्लू अर्जुन को अप्रोच किया ताकि ऐसे स्टार को अपनी फिल्म से एसोसिएट किया जाए जिसकी हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो, और पुष्पा की सुपर सक्सेस से बड़ी हिस्ट्री वाला कहाँ मिलेगी। ऐसे में पुष्पा वर्सेज पठान का जो कॉम्बो है वो बॉलीवुड में आग लगाने के लिए काफी है। बहरहाल ये न्यूज जल्दी ऑफिशियल हो तो बेटर है, बिकॉज दोनों ही बेल्ट के फैन वेट कर रहे हैं कि पुष्पा पठान एक साथ आए और एंटरटेनमेंट को फाड़ के फ्लावर कर दें। सो फ्रेंड, ऐसी ही एक्साइटिंग, ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।